मोगली कहाँ हो तुम? जवाब दो मोगली। अच्छा हुआ मैं यहाँ तक पहुँच गया, नहीं तो तुम्हें यहाँ कोई नहीं देख पाता। नहीं, नहीं, नहीं। चलो जल्दी करो, मेरा हाथ पकड़ लो, बाहर आओ, आओ आओ। हाँ ये मनुष्य तो मुझे पिंजरे में कैद कर देगा। ये क्या कर रहे हो? जल्दी ठीक होना चाहते हो तो ये हिलना डुलना बंद करो। तुम्हें आराम की जरूरत है। ये लो खाओ, इससे तुम्हारे जख्म बहुत जल्दी भर जाएंगे। लगता है तुम्हें कभी किसी का प्यार नहीं मिला, सभी ने तुम्हारे साथ बुरा बर्ताव किया है। अब डरो मत, इससे डरते हो? देखा, ये खाने से मुझे तो कुछ नहीं हुआ। चलो इसे गरम गरम खा लो। आखिर ये मनुष्य चाहता क्या है? मुझे मालूम है तुम्हें खूब जोरों की भूख लगी है, लेकिन इसलिए खाना नहीं चाहते क्योंकि तुम मुझे जानते नहीं हो। मेरा नाम भोला है, लेकिन सब लोग मुझे बाबा कहते हैं। गांव का सबसे अच्छा लकड़हारा हूँ मैं। गांव में उगता गया था, घूमते घूमते यहाँ चला आया। लेकिन तुम कहाँ के रहने वाले? भूख लगी है। क्या मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तुम कहना क्या चाहते हो? समझ गया, तुम्हें बात करनी नहीं आती, विश्वास नहीं होता। खैर कोई बात नहीं, मैं सब सिखा दूंगा तुम्हें। भले ही तुम कितने जिद्दी हो बच्चे, मेरे पोते से ज्यादा जिद्दी नहीं। वो भी तुम्हारी तरह हरकतें किया करता था, मेरी बात नहीं मानता था कभी, बहुत शरारती था। मैं उसे इस तरह बांध कर खाना खिलाया करता था। चलो तुम भी खाओ। तुम इतना घबरा क्यों रहे हो? चुपचाप खाना खाओ, तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। खाओ इसे, बहुत अच्छा है। इतना स्वादिष्ट खाना मैंने कभी नहीं खाया। कितना अच्छा बना है, गरम गरम। तुम ये कह नहीं सकते कि अच्छा नहीं है। ये मेरे पोते का सबसे मनपसंद खाना है। ये जितना स्वादिष्ट है उतना ही तुम्हारे सेहत के लिए अच्छा है। खाओ बच्चे, पेट भर के खाओ, बहुत खाना है।
दो दिन हो गए जंगल का कोना कोना छान मारा, पर उसका कोई पता नहीं, उसकी आवाज तक नहीं सुनाई दी। मेरा दिल कहता है वो जहां भी होगा सुरक्षित होगा, भालू और वगैरह इंतजार करते होंगे। जल्दी ठीक हो जाओगे, देखो तुम्हारे लिए दूसरी दवा लाया हूं। समझ में नहीं आता क्या करूं, मुझे अब जल्दी ही अपने गांव जाना होगा। इतने समय बाहर में पहले कभी नहीं रहा, लेकिन तुम्हें अब इस हालत में छोड़ भी तो नहीं सकता, अपने साथ गांव भी तो नहीं ले जा सकता, मुसीबत खड़ी हो जाएगी। तुम क्या कहते हो बताओ, हमें क्या करना चाहिए? इस मनुष्य की आंखें तो बिल्कुल मेरी माँ जैसी हैं, वो भी मुझे इसी तरह देखती है जब वो मुझे प्यार करती है। हाँ मैं नहीं जानता कि तुम कहाँ से आए हो, इतना जरूर समझ सकता हूँ कि तुम्हारा मनुष्यों से ज्यादा संबंध नहीं रहा। मैं तुम्हें सब कुछ सिखा दूंगा। पहली बात तो ये है कि मनुष्य कई तरह के होते हैं, कुछ तुम्हारे और मेरे जैसे जो प्रकृति के पास रहते हैं कुदरत के नज़ारे देखने के लिए, पर कुछ ऐसे जालिम होते हैं जिन्हें सभी को एक दूसरे से जुदा करने में ही मज़ा आता है। वो शौक के लिए शिकार करते हैं, खाने के लिए नहीं, हर जगह गड्ढे खोद डालते हैं जहाँ से मैंने तुम्हें निकाला था। ये क्या किया तुमने? शायद मैं ज़्यादा बोल गया, लेकिन इसमें तुम्हारे भले की तो बात है। हाँ क्या हुआ? ये तो जंगली कुत्ते हैं। भालू कहता था ये किसी पर भी हमला कर सकते हैं, ये किसी कानून को नहीं मानते। हाँ खड़े हो जाओ बच्चे, इस तरह। शाबाश, बहुत अच्छी। सुनो, मैं मोगली हूँ भेड़िया, हम एक वंश के हैं तुम और मैं। ये सच है, वो जंगल के कानून को नहीं मानते। सरपंच, बता सकते हो भालू और बघीरा कहाँ होंगे? उनके लिए बहुत बुरी खबर है मोगली की। जो कहना है मुझसे कहो, सरपंच होने के नाते मैं जानना चाहता हूँ। मैं नहीं बता सकता, उन्होंने किसी से कुछ कहने से मना किया है। ज्यादा होशियारी मत दिखाओ, बोलो क्या खबर है, क्या हुआ है मोगली को? हाँ? भालू,
आ गए तुम? कहाँ थे अब तक? लगता है यहाँ आने से पहले खा पी के आए हो तुम। हाँ वो, खैर जाने दो, खबर क्या है? वो नहीं मिला। मोगली कहीं खो गया है। चील जैसा होशियार पक्षी भी उसे नहीं ढूंढ सका। चमेली का बेटा और अकड़ू पकड़ू का प्यारा भाई मोगली हमारे झुंड का एक काबिल सदस्य है। हो सकता है वो किसी मुसीबत में हो। दोस्तों, हमें उसे ढूंढना होगा। कुछ कहना चाहती हूँ आप सबसे। सारा दोष मेरा है, मैंने उसे बुरा भला कहा इसलिए वो भाग गया। मुझे माफ कर दो, चाहो उसे वापस ले आओ। ठीक जल रही है, चलो आओ कुछ बातें करें। याद है मैं तुम्हें अपने गांव के बारे में बता रहा था, चलोगे मेरे साथ? तुम्हें वहां ले जाकर मुझे बड़ी खुशी होगी, पर कुछ लोगों को अच्छा नहीं लगेगा। अगर तुम उन जैसे होते तो वो तुम्हें सिर पर बिठा लेते, पर अब वे तुम्हें स्वीकार नहीं करेंगे। काश मनुष्य भी जानवरों की तरह मिलजुल कर रहते और यही सोचते कि जियो और जीने दो। बहुत अच्छे। सुनो बच्चे, मैंने फैसला कर लिया है कि जब तक तुम ठीक नहीं हो जाते मैं तुम्हें यहाँ नहीं छोड़ूंगा। कल तुम्हें मेरे साथ गांव चलना होगा, वो यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, हम आसानी से पहुँच जाएंगे। वो देखो, वो रहा मेरा गांव, चलोगे मेरे साथ? ठीक है। इस वक्त भालू और बघीरा क्या कर रहे होंगे? माँ कैसी होगी? क्या सब मुझे भूल गए होंगे? जंगली कुत्ते कल से भी ज्यादा।
समझ गया, तुम्हारा मतलब कुत्ते वापस आ गए। भाग जाओ यहां से। बच्चे को बगीरा ध्यान से सुनो मोगली, तुमने कानून का उल्लंघन किया है। बिना किसी को बताए झुंड को ठुकरा कर चले आए, फिर भी हम तुम्हें लेने आए हैं, तुम्हें हमारे साथ चलना होगा। अब चलो भी मोगली, हमने तुम्हें बहुत ढूंढा। ये सच है मोगली, हम चाहते हैं तुम वापस चलो। हम बहुत शर्मिंदा हैं, हमने तुम्हें अपने से अलग समझा। लेकिन अब तुम जल्दी से गुस्सा थूक दो, हमें माफ कर दो। बगीरा खुश रहो बच्चे, अलविदा, अपना ख्याल रखना। तुम कितने खुश नसीब हो, सारे जंगल में आजाद घूमते। तुम्हें क्या हुआ, तुम भी आजाद होना चाहते हो? जाओ, खुश रहो।